हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस एंटरटेनमेंट। माय नेम इज रिजवान और अभी हमें राजगोट फॉर्म पे जिसके ओनर है राजू भाई। राजू भाई कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। राजू भाई बहुत टाइम बाद आपका दोबारा हमारे चैनल पे स्वागत है। आप लेट आए सर, इसमें हमारा क्या गलती है? जी मैं बहुत टाइम के बाद अजमेर दोबारा विजिट कर रहा हूं। तो आप कैसे हैं? बस ठीक है सर। सबसे पहले अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस बताइए। सर अपना राजगोट फार्म है जो अजमेर से 25 किलोमीटर कड़ेल गांव में है। कड़ेल गांव पड़ता है? जी सर, अजमेर से 25 किलोमीटर दूर कड़ेल गांव पड़ता है राजगोट फार्म। तो अभी हम क्या देखेंगे आज की वीडियो में? आज अपन फार्मिंग और कटिंग का मिक्स माल देखेंगे। 300 बकरे का लोट है सर। 300 बकरे का लोट है? हाँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी नस्लें इस बकरों में। इसमें मिक्स ब्रीड है, सिरोही है, अजमेरा है, कोटा करौली है, गुजरी है, जी कोतापुरी है, सब मिक्स ब्रीड का माल है। तो आइए देखते हैं, सारे जानवर बाहर ही निकलवा लीजिए। चलिए दिखाइए राजू जी। सर ये देखिए कोटा करौली का, ये कोटा करौली का है। कोटा अच्छा, कोटा करौली या जैसलमेरी ये बोलते हैं इसको? कोटा करौली। कटिंग में सभी मिक्स आती हैं? सब मिक्स ब्रीड का माल है। सभी मिक्स आती है। तो कटिंग का आप मतलब स्टार्टिंग प्राइस क्या है, पीस से दे रहे हैं कटिंग या फिर? अपने पट्टी के हिसाब से भी है और वेट के हिसाब से भी है सर। अच्छा, दोनों का प्राइस बताइए सर। अभी कोई ये परचेज करना चाह रहा है तो 5000 पट्टी में पूरा सौदा कर देंगे। पूरा सौदा? 300 पीस है? कितने पीस है? 300 पीस है सर। ये 300 प्लस है या कम है? 300 पीस है बराबर। पूरे 300 पीस है। सभी नस्लें इसमें मिक्स है? कौन कौन सी नस्लें हैं इसमें? सिरोही, अजमेरा, गुजरी, तोतापुरी, कोटा करौली, सोजट, मिक्स ब्रीड का लॉट है सर। ये मिक्स ब्रीड का लॉट है। तो ये आप लॉट मतलब अभी फॉर सेल के लिए या सेल कर दिया? ये फॉर सेल के लिए है सर। फॉर सेल के लिए। आइए दिखाइए कुछ और वीडियो दिखाइए। सारा गोल माल है सर। मतलब गोल माल किसको? डबल हड्डी को बोलते हैं? डबल हड्डी को दिखाइए। किस चीज को बोलते हैं डबल हड्डी? देखिए सर, ये जो कमर होती है चमक जी, ये वाली जी गोल माल है सारा, इसको डबल हड्डी बोलते हैं। गोल माल है। इसमें क्या क्या मतलब बेनिफिट्स रहते हैं? इसमें मटन की क्वांटिटी ज्यादा होती है सर। मटन की क्वांटिटी कितने परसेंट रहती है? इसमें 60% मटन निकलेगा। 60% मटन रहेगा। तो ये प्रॉपर कटिंग का माल जो होता है मटन के पर्पज से है? हाँ, मटन पर्पज से है। और फार्मिंग का माल भी रहता होगा अपने पास? छटाई करेंगे तो 15-20-25 फार्मिंग के निकल जाएंगे। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट अपने पास से है? इंडिया ट्रांसपोर्ट है सर अपने। जीएसटी पक्का बिल है? पक्का बिल है। अपना रजिस्टर्ड फार्म है? रजिस्टर्ड फार्म है जी सर। कितने टाइम से आप कर रहे हैं इस फील्ड में? मेरे को इसमें 5 साल हो गए। 5 साल आपको हो गए। अभी आप चारे में क्या खिला रहे हैं? नहीं चारे में अभी यही हरी पत्ती, ग्वार भूसा, चने का भूसा, मूंगफली भूसा। अच्छा, दलहनी भूसा और हरी पत्ती और ग्वार का भूसा, मूंगफली का भूसा। हाँ, ये आप दे रहे हैं। दलहनी भूसा में तो सभी दालों के भूसे हो गए और आप मूंगफली का भूसा भी दे रहे हैं। हरी पत्ती के मैंने बहुत बेनिफिट सुने हैं राजस्थान में। हरी पत्ती का अभी थोड़ा मार्केट तेज है इसलिए थोड़ा हरी पत्ती कम दे रहे हैं सर। अभी ग्वार भूसा यही ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि हरी पत्ती का यूट्यूब पे इतने फायदे बड़ा चढ़ा के बता के अभी उसका रेट बहुत हाई हो गया क्योंकि वो मिल नहीं रही है और महाराष्ट्र में उसकी बहुत डिमांड रह रही है इस टाइम पे। तो अभी और दिखाइए आप हमें कोई पीस दिखाइए जो 5000 में बता रहे हैं। 5000 वाले कोई पीस दिखाइए। ये सभी 5000 की रेंज में ही है सर। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन, कि पट्टी से लेना ज्यादा फायदेमंद है किसान के माध्यम से, किसान के लिए, या केजी से? पट्टी में क्या होता है कि हर किसी को समझ में नहीं आता, वेट से जो वेट होता है वो उसके सामने हो जाता है। वेट सामने हो जाता है? वेट में इंसान आजकल कहता है कि मैं अपना कांटा लेके आऊंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, अपना कांटा लेके आओ ना। 250 रुपए किलो का रेट है सर। जी, 250 रुपए किलो का रेट है जी सर। और जैसे वो जो 5000 वाले बता रहे हैं वो कितना? ये सब 5000 में आने वाले हैं सर। ये सब? हाँ। पूरे पीस लेंगे? पूरे पीस में क्या होता है, छोटे बड़े सब मिक्स में आएंगे ये पट्टी में। और 10 से 20 पीस ले जब? 10 से 20 का अलग प्राइस है सर। अच्छा। हाँ। जैसे मान लो 100 वेट से होगा, पट्टी से नहीं होगा, वेट से ही होगा उनसे। दिखाइए और पीस दिखाइए हमें, कोई कोटा में दिखाइए। ये देखिए कोटा करौली में ये लंबे कान होते हैं सर। कोटा की पहचान क्या रहती है? ये लंबे कान। अच्छा, और ये सींग जो रहते हैं घुमावदार रहते हैं? सींग घुमे हुए होते हैं। और बंद कान रहते हैं? बंद कान रहते हैं जी, बंद कान होते हैं। और ये दो लाइनें भी आती हैं फेस के ऊपर? फेस के ऊपर लाइनें आती है और अधिकतर ब्लैक कलर में ज्यादा होते हैं। ब्लैक रहता है पूरा, फुल ब्लैक रहता है? अच्छा, अब देखते हैं कुछ फार्मिंग का माल दिखा दीजिए हमें, कोई फीमेल वगैरह पट। अभी ये सिरोही का देखो, ये बिल्डर है? ये सिरोही का बिल्डर है। और ये फीमेल है? ये पट है सिरोही की। अच्छा, ये भी कटिंग में? ये भी कटिंग में आएगी सर। अच्छा, अब देखते हैं हम, कोई फीमेल दिखाइए हमें अच्छी क्वालिटी की, लोडेड हो, तैयार हो फार्मिंग की। ये
इसका क्या बॉडी वेट है? इसका बॉडी वेट 25 किलो के ऊपर है सर। 25 केजी से ऊपर का है? 25 किलो प्लस है सर। अभी तो ये खाली होगी? खाली है सर, अभी खाली है। इसको मतलब किस हिसाब से सेल कर रहे हैं? इसको अभी वो 250 रुपए केजी में। 250 रुपए केजी, और पीस से ले तो कितने की होगी जिंदा? पीस से अभी ये 5000 में जाएगी सर। 5000 में जाएगी जी सर। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए लुक देखिए, फार्म का लोकेशन देखिए, माल देखिए। ये डंडी से सबको इधर कर इस तरफ कर दीजिए। 300 पीस है फॉर सेल के लिए। आप आइए, विजिट कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे किसी बंदे को लाइए, जानकार को देखिए, माल परचेज कीजिए और यहाँ से ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट ले जा सकते हैं आप। बहुत बड़ा फार्म है सर जी। इधर ये फार्मिंग के माल भी खड़ा है अपने पास में जी। इधर फार्मिंग का माल है, ये भी देखते हैं। दिखाइए ये देखिए सर, सिरोही का स्पॉट कलर का। सिरोही में कितने कलर रहते हैं? दो तीन कलर आते हैं सर। दो तीन कलर रहते हैं जी सर। एक ये स्पॉट में रहता है, एक प्लेन में रहता है जी सर। और दिखाइए, मुंडे भी रहते हैं? मुंडे भी रहते हैं। जैसे ये मुंडा है, वेट की बात करें तो 30 किलो बॉडी वेट है इसका। 30 केजी का बॉडी वेट है इसका। और दांतों में कितना है अभी? अदंत है सर अभी तो। ये देखिए सर, अदंत। और दिखाइए, ये गुजरी में अबलक कलर में, अबलक में ब्लैक कलर रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। और वैसे गुजरी का कलर ये है गुजरी का। गुजरी खूबसूरत बहुत रहता है। सबसे पहले हमने आपका वीडियो गुजरी का ही बनाया था। गुजरी का मेरा ऑर्डर से काम है सर, क्योंकि गुजरी पे आप बड़े लेवल पे काम करते हैं। और इतनी क्वांटिटी में गुजरी हमने पहली बार देखे थे किसी फार्म पे। अब क्या सर, ट्रेडिंग है अपनी तो, जो हर क्वांटिटी पे माल काम करते हैं अपन तो। अच्छा, और ये फीमेल है या मेल है? नहीं, सारे मेल है सर। सारे मेल है। तो ये तैयार कर रहे हैं ये 2025 के लिए? 25 के लिए तैयार होने वाले हैं सर। अच्छा, ये देखिए एक और गुजरी का। गुजरी दिखाइए, आपकी पहचान ही गुजरी से है। ये देखिए सर, राजू जी, ये गुजरी, ये गुजरी है गुजरी। अगर कोई गुजरी ही लेना चाहे ब्रीड में, बकरी या बकरे, उसका क्या रहने वाला है पीस से? उसका 300 रुपए केजी। 300 रुपए केजी। और पीस से लेना चाहे तो पट्टी कहीं? पट्टी का तो अलग अलग हिसाब है सर, फिर वो क्या वेट पे लेना चाह रहा है उस हिसाब से पट्टी क्लियर होगा। अच्छा, तो कोई भाई आना चाहे वो आ सकता है राज गोट फार्म पे। आइए, राजू भाई इस गोट फार्म के ओनर है। कौन सा विलेज पड़ता है ये? कड़ेल गाँव है सर। कड़ेल गाँव में आप आइए। ये अजमेर से, पुष्कर से कितना दूर है? पुष्कर से 10 किलोमीटर, अजमेर से 25 किलोमीटर। बहुत बड़ा फार्म है सर अपना, देख रहे हो आप जी। वो उधर 300 पीस कटिंग के खड़े हैं सर जी। ये इधर फार्मिंग का माल है, उधर वो फीमेल है जी। अलग अलग सेटअप में माल खड़ा है अपना। तो किसी भी भाई को चाहिए हो तो वो आ सकता है राज गोट फार्म को। आइए, विजिट कीजिए, राजू भाई के पास में आइए। कोई एडवांस पेमेंट देने की जरूरत नहीं है? कोई एडवांस पेमेंट की जरूरत नहीं है सर। कुछ मतलब आप माल पसंद करो हाँ, और माल लेके जाओ। एनी टाइम माल खड़ा रहता है अपने पास? एनी टाइम खड़ा रहता है। अगर समझो किसी दिन गलती से गाड़ी लोड हुआ, कस्टमर आया, तो उसे एक दिन में माल प्रोवाइड करा देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। और रुकने की व्यवस्था यहाँ पे, रूम वगैरह, होटल वगैरह? रूम वगैरह अपना ऑफिस बना हुआ ना सर, आपने अपना ही बना रखा है? अपना, उसका भी कोई चार्ज वगैरह नहीं है? चार्ज नहीं है। हाँ, आपने बना रखा है, उसमें सब सुविधा, पंखे वगैरह, एसी रूम बना हुआ है? अच्छा, एसी रूम बनाया है आपने, ठीक है, थैंक यू।